यादव गरीबों का मसीहा है और पटना साहिब अति पाटलिपुत्रा के छात्र नेता भी कितो रह चुके हैं। एक ही साइड में तो वोट नहीं जाएगा ना, सब खड़ा हो जीतने के लिए खड़ा हुए हैं। तो नीरज भैया को हम लोग 10-20 सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। पटना साहिब से नीरज कुमार यादव जी भी एक हैं चुनाव मैदान में बीएसपी के टिकट से, तो यादव होने के नाते उधर भी देख रहे हैं। देखिए यादव के नाता से नहीं चल रहा है, यहाँ से ज्यादा लीड करेंगे नीरज यादव। यहाँ से शुगर ब्रेक चेक से लमसम 1200-1400 वोट हैं। यहाँ से नीरज यादव के पूरा बहुमत के साथ उनको यहाँ से वोट मिलेगा। एक नीरज जी भी है, नीरज कुमार यादव बीएसपी के, जानते हो आप? जाने हैं तो एक हम उनको बारे में नहीं पूछे जाता है। हाँ हाँ जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के सुकरवेग चक गांव में हैं और यहाँ मंदिर है जो गांव के मुहाने पे है। मुहाने पे बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, आइए गांव के लोगों से जानते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है और किसे अपना सांसद चुनकर लोकसभा भेजने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सुगर वेग चक की जनता से, क्या सोच रहे हैं अभी वोट डालना है तो कोई मुद्दा है जिसके आधार पर वोट डालेंगे? है ना, हमने के आधार कार्ड ना है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड मुद्दा नहीं है कोई जिसके आधार पर वोट डालेंगे? हमने के पानी भी उतर चाहिए, पानी पर रौदा लगे तो क्या लगा कि रौदा रहे और पानी पर तो लगे कि कन्या अब छाहरा होवे। पानी बीनू, घर बीनू, द्वार बीनू। मोदी जी कह रहे हैं सबको मुफ्त में घर दिए, कहां से 200-300 पिल्सिंग मिला है, वो 5-6 साल बंद हो गए। पानी बीनू एकदम तरसा ही कि अब आई हो गलिया गलिया सब रोड टंके, हमने कुछ ना है कल जारी मानी तो ओकरा से पन्न ओकरा से तो कहीं हमरे लग तोरे लग रही है कुछ ना। कहाँ मोदी जी के देखे कौची कर नाला ना सगरो है, हमने के सगरो पी चाहे बैठवाल अथी पलहतर है, हमने कौची है कुछ ना। इतना पानी गली में हो जाए भर अथी आई, इतना पानी अखनी जुआ है तो लगे कि बेटा पुतो पोता पति जुआन करे। किसको वोट, किसको अभी किसको जिताने वाले हैं आप? इतना है देवे अथी ने पंजा में, पंजा में किस जाति से आते हैं आप? की जाति से? अब जाति कौन सा आपका? हाँ हम बाथी पसमान। आप बताइए अभी वोट डालना है तो कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे वोट डालेंगे? पंजा पर। पंजा पे डालेंगे क्यों, क्या बात है? क्या बात है, हमारे के कोई चीज नहीं मिलता है, बिजली बिल सब इतना जरा 5-6 लाख याल है, कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? हाँ तो मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब आदमी को मुफ्त में घर दिए हैं। कहाँ दिए हैं, झोपड़ी मराई वाला तो घर ऐसी पक्का का घर नहीं बना आपका? करकट फरकट रख ले हैं घर पर, पक्का का घर नहीं बना नहीं। तो सबके लिए बोल रहा है कि पक्का का घर दिया, कहाँ से पक्का का घर, करकट पर तो आँख ला रहे ऐसे घर में रहते हैं बाहर में रहते हैं, करकट ऐसी रखल है। सुनिए ना सर, चलिए विश्वास नहीं है। पानी उनी का कुछ का नहीं व्यवस्था है, कर कुटुमी आता है ये तो घर में रहता है, नहीं ऐसा बनाने का साधन नहीं है, घर में रहता है, कर कुटुम बेटा बेटी के ब्याह करते हैं ना तो घर में रखते हैं, कुछ नहीं है मान के है। बदलाव चाहते इस बार? हाँ घर कर कुटुम आवे लगी व्यवस्था रखे के चाहिए, सब लोग खोजा है आदमी घर ने। आपका इसी गांव से है? नहीं हमारे को छोटी नवादा है। किस जाति से आते हैं आप लोग? हमारे रविदास से हैं, काम कर ले जाते हैं, कमाता खाते हैं, रहते हैं। आप कोची कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? मुद्दा रोजगार पर मुद्दा है। क्या रोजगार पर मुद्दा है? रोजगार और रोजगार पर देख रहे नौकरी अपना ऊपर बने रहा सरकार बदले रही, हम लोग पंजा से सपोर्ट करेंगे, पंजा को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ये बताइए कि पंजा को सपोर्ट करेंगे जो यहाँ के उम्मीदवार हैं एक बीजेपी से रविशंकर जी जो सांसद भी हैं अभी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? चप्पल पे मार खा रहा जूता से,
10 फरवरी तभी आया है, सभी बख्तियारपुर विधानसभा में वो आया है। रविशंकर प्रसाद 10 पर रहा है, सभी बख्तियारपुर विधानसभा में वो आया है। नहीं कोई काम किया है वो? नहीं नहीं बदलाव होगा इस बार, बदलाव एकदम केंद्र में बदलाव होगा, केंद्र में बदलाव, बदलाव नहीं होगा केंद्र में तो एकदम होना है, तय है, एकदम तय है। मोदी जी कह रहे हैं कि राम जी उनके साथ हैं, राम जी पेट भर दे रहा, भोजन देते हैं राम जी। अब केंद्र में बदलाव हो रहा और नरेंद्र मोदी बढ़िया बिस्तर बांधे केंद्र से बाहर बने। ये बताइए कि यहाँ से बीएसपी के भी एक उम्मीदवार हैं नीरज कुमार यादव, तो नीरज यादव के बारे में भी कुछ सोचते हैं? हाँ बताओ क्या सोच रहे हो? यहाँ से ज़्यादा लीड करेंगे नीरज यादव, यहाँ से शुगर बेग चक से लमसम 1200-1400 वोट हैं, यहाँ से नीरज यादव के पूरा बहुमत के साथ उनको यहाँ से वोट मिलेगा नीरज यादव को। हम लोग ठान लिए हैं यहाँ यादव का समाज है, और यादव को समाज, यादव को समाज ही सपोर्ट करता है, इसलिए नीरज यादव को वोट देने के लिए पूरा शुगर बेग चक आदमी पूरा तैयार है, इसको उनको एकदम पूरा बहुमत से ही मिलने वाला है। पूरा कांग्रेस अब है दो चार आदमी है उस गांव में कि दो चार को नहीं दे सकते, आरजेडी के देखिए बीजेपी के दे सकते हैं। है कि हर गांव में हर एक तरह के आदमी रहता है, कुछ बीजेपी कुछ आरजेडी कुछ कुछ भी इधर उधर हो, तो मानिए कि कुछ एक एक ही साइड में तो वोट नहीं जाएगा ना, सब खड़ा हो जीतने के लिए खड़ा हुए हैं। तो नीरज भैया को हम लोग 10-20 सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, है उसे थोड़ा एन उन्हें भटक जाएगा तो उसको क्या करना है, तो मत के दान है जिनको मन हो जो दो, नहीं माने जो नहीं दो, ज्यादा नहीं वोट। आप बताओ आप क्या सोच रहे हो? हम तो सोच रहे हैं सर जो अच्छा काम करेगा उनको वोट दिया जाएगा, और क्या। अच्छा काम कौन करेगा? जो पिछले बार थे वो तो अच्छा काम किए नहीं, इस बार सोच रहे कि बदलाव जरूरी है, तो इस बार कुछ नया चीज होना चाहिए। बदलाव करके किन को लाना चाहते हैं? इस बार कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस को लाना जी सर। आप बताइए, बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है, बदलाव करके किसको लाएंगे? कांग्रेस। कांग्रेस नीरज यादव भी हैं कोई मैदान में? नीरज यादव इन्हें हैं, हम लोग हैं और सब कांग्रेस वाला हैं जो जान ही रहे हैं, माल पानी लेके तनी सुन बोले ला बोल दिए तो अखनी बोल रहे हैं, ऐसा जाइए ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष पार्टी खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार कांग्रेस नीरज यादव गरीबों का मसीहा है, और पटना साहिब अति पाटलिपुत्र का छात्र नेता भी कितो रह चुके हैं। क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम लोग तो देंगे मोदी जी के ना। मोदी जी के ना? ना। मोदी जी को नहीं, क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं या गुने सब चीज संसार से थी, सब रेंट पर लगा दिए हैं, जैसे कहो रेलवे लाइन साहब किराया लगा दिए, बिजली रेंट बढ़ा दिए, सब चीज तो करवा तेल पहले कितना था अब अखनी कैसे हो रहा है, महंगाई इतना कर दिए दिनों दिन तो उनको देख के क्या करेंगे। तो बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव करके किसको लाएंगे? लाएंगे पंजा के। पंजा के? हाँ पंजा। आप यादव जी हैं? जी। यहाँ से एक यादव जी खड़े हैं नीरज कुमार यादव। हाँ तो उन्हीं को देंगे। बीएसपी जानते हैं? बी हमारे यहाँ पढ़ा लिखल नहीं है, झूठ बोले से क्या फायदा, हमारी तो सीधे देहाती हैं, पंजा के देंगे। पंजा के देंगे। हाँ। सीधी बात। हाँ। नो बकवास। हाँ। है ना। हाँ। आप बताइए। छोड़ा ना बखेड़ा, हमारा अभी तक कोई प्लान न बने लगे, प्लान नहीं बनाए है। सुने कि बहुत सारे लोगों को पैकेट मिल गया, कुछ ना आने के मिला है? पैकेट नहीं मिला कुछ नहीं। तो ये बताइए कि मोदी जी 10 साल में कैसा काम किए, जो पीएम मोदी हैं 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम किए? हमारा कुछ पता ना चलो है, इन्हें कहला कहा तो अथी लो, हमारा कुछ पता ना चलो कौन काम कैलक कौन काम ना कैलक, मगर हमानी के गांवों में पंजे के वोट पड़तो। पंजे को? हाँ। अरे रविशंकर कमल नहीं खिलेगा? बताऊँ हर गुरी एक के बात के हो, कमल खिलेगा कि नहीं? एकरा पूछा हमरा कौन पूछा रहा है, पूछा ना कर रहे तो कुछ और है कि इसका मुँह में बता। कमल अब खिलेबे नहीं करेगा। क्या सोच रहे हो वोटिंग को लेकर? वोटिंग के यही सोच रहे हैं कि हम तो देंगे पंजा छाप को, आरजेडी को। आरजेडी को? हम मोदी को नहीं चाहते हैं, मोदी के हम चिन्हबे नहीं करते हैं सीधा।
मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के और कह रहे हो पहचान, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। वो हमको लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं किया है। बेरोजगारी बिहार में ऐसा स्थिति कर दिया है बेरोजगार के कि आज गरीब आदमी मर रहा है, देख रहे होंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम राम जी को लाए हैं, राम जी को लाए हैं तो राम जी खाना ना दे रहे हैं हमको, ये कहना है राम जी खाना दे रहा है आपको या हमको, राम जी खाना दे रहे हैं, राम जी तो खाना तो ना दे रहे हैं। अगर राम जी के चेक उसको उतना रुपया लगा राम जी को बनाने में, अगर 2-3 हॉस्पिटल खोल देता बिहार में तो गरीब आदमी मर रहा है सड़क पर, कम से कम वो तो जीता, जीता कि ना जीता। राम जी का नाम लेने से संस्कार अच्छा होता है। हाँ हम 100 बार ना राम जी के नाम लेते हैं लेकिन हमको भी संस्कार नहीं बढ़ रहा था, अब हम क्या करें, मोदी जी के कहने से हमको संस्कार बढ़ जाएगा बताइए, नहीं बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि राम जी के भेजे हुए दूत हैं हम। अरे मोदी जी बोलने वाला बोलते ना रहिए, मोदी जी के अबरी झंडा अबरी कमल उसको बुत जाएगा, बुझ जाए, हाँ कमल नहीं खिलेगा, अबरी कमल उसको नहीं खिलेगा। रविशंकर जी को जानते हो कि नहीं? रविशंकर जी को तो जानते हैं। कैसे आदमी हैं, कैसा काम किए 5 सालों? वो भी बढ़िया है। कैसा काम किए 5 सालों? अच्छा है, अच्छा है, हाँ अच्छा है। रविशंकर जी तो, रविशंकर जी तो हैं कमल लेकर आए, कमल लेके आए हैं रविशंकर जी, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन मोदिया अब ऊपर से दबाव देता है, देखिए अच्छा काम ना है, सरकार है उसको पास। अच्छा यहाँ से एक नीरज जी भी है, नीरज कुमार यादव BSP के, जानते हो आप? जाने हैं तो, लेकिन उनको बारे में नहीं पूछे जाता है। हाँ हाँ जानते हैं, तो वोट दोगे उनको? अब कहा बोले, हाँ वोट देखिए वोट उनको नहीं देंगे, अभी RJD छोड़ा के हम किसी और को वोट हम दे ही नहीं सकते। अब जो किसी के रैली में चल जाए प्रचार करने के लिए, लेकिन अभी हमको RJD चाहिए बस। अभी वोट करनी है तो क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर? हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा मोदी ऐसा सरकार नहीं चाहिए, हमारा सरकार चाहिए कांग्रेस ऐसा कि गरीब के भलाई करे, रक्षा करे। मोदी जी तो लोट बंद करो, तो बालू बंद करो, तो गिट्टी बंद करो, महंगाई करके हम लोग है जो सब गरीब है जो तबाह हो गए, इससे पूरे जनता तबाह है। हम लोग है जो भी वोट देंगे पटना क्षेत्र में सब पंजा पर देंगे। ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया 10 साल? नहीं नहीं कुछ नहीं, कि मोदी जी तो गाड़ दिए जमीन में जनता के, वो अच्छा कौन चीज करेंगे? कभी लोट बंद कर देते हैं तो गांधी जी के फोटुए ख़त्म करते हैं, तो आगे के पूर्वज के जो बनाया उसको है जो नष्ट करने के लिए पड़ गए, उसको इतिहास ख़त्म कर रहे हैं, तो मोदी जी कहाँ अच्छा कर रहे हैं? तो बदलाव चाहिए। हाँ हमारा बदलाव चाहिए। तो ये बताइए कि यहाँ से एक नीरज कुमार यादव भी हैं BSP के, वो मैदान में हैं, तो उनके बारे में भी सोचते हैं क्या? नहीं हम लोग पंजा के सोच रहे हैं, सिर्फ हाथ छाप कांग्रेस के जी। हाँ आप बताइए बाबा। जो वो कहा जो हम कहा, सब एक जैसे हैं। हाँ 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 क्यों चेंज नहीं है? ये बताइए कि पंजा को क्यों चाहते हैं आप लोग? हम पंजा को चाहते हैं, पंजा को चाहते हैं। कह रहे कि रविशंकर जी बहुत काम किए हैं इलाके में। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहेंगे कि हम ही कर दिए, कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये एक नीरज यादव हैं BSP के उम्मीदवार, उनको जानते हैं? हम ना जानते हैं। नहीं जानते? ये बताइए कि अभी वोटिंग करनी है आपको, वोटिंग करने को लेकर क्या सोच रहा है? देखिए इस एरिया में जितना भी वोट पड़ेगा आपको RJD का पड़ेगा, पंजा साहब को पड़ेगा जी। पंजा साहब को क्यों? क्योंकि अभी सरकार बदलना है, इसीलिए बदलाव चाहते हैं जी। मोदी जी 10 साल में अच्छा काम नहीं किए? मोदी जी किए भी या ना भी किए, कोई कोई काम बढ़िया भी, कोई कोई खराब भी। अच्छा गैस जो भी मिलता था 500 में जे के गुला 1200 कर दिए, तो कहाँ बढ़िया किए? जैसे वो पहले काम किए बढ़िया कि फ्री में दे दिए गैस, अब फिर उसको बदल पैसे लेवे लगे डबल, तब फ्री में दिए कहाँ? डबल या ट्रिपल? नहीं जैसे सिंगल दिए फ्री में, कोई पैसा नहीं, गैस ले जाइए खाना बनाइए, और उसको बाद वही गैस 500 में मिलना चाहिए जो मिल रहा है 1200 में, 1000 रुपया में, तब बढ़िया कहाँ किए? अच्छा। वह तो खराब कर दिए। अच्छा क्या किए? अच्छा देखिए इनको सरकार में, लालू जी के सरकार में गैस 500 से 600 में मिलता था,
जो सामान अभी डीजल भी देखिए 60 रुपये लीटर मिलता था वो 100 रुपये लीटर हो गया, सब मोदी जी के राज में ना हो गया। तो बदलाव होना चाहिए जी। ये बताइए कि यहाँ से पटना साहिब से नीरज कुमार यादव जी भी एक हैं चुनाव मैदान में बीएसपी के टिकट से, तो यादव होने के नाते उधर भी देख रहे हैं आप? देखिए यादव के नाता से नहीं चल रहा यहाँ, यहाँ पार्टी जो आगे सरकार चलाने वाला बढ़िया विकास वाला है जो देखने वाला वो ही देख रहे हैं, ज़्यादा जतियाता पर नहीं हो रहा है, जो बढ़िया है उसको दे रहे हैं। कौन सा बात? कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए? हाँ। कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस राज करने का या राज चलाने का ज्ञान उसी का पास में है। अंदानी राज है कांग्रेस, जहिया इंदिरा गांधी था राजीव, जहिए से चल रहा है कांग्रेस के, अच्छा से चलाइस, मोदी जी नियन खून न खींच ली कि कितना आदमी के लॉकडाउन लगा करके मोदिया मार दीस। अच्छा। और किडनी कढ़वा के बेच दीस। किसका किडनी निकाल लिया भाई? हॉस्पिटल में हम गिनती कर ले लिख ले हैं, कोरोना के नाम पर कोरोना होले, कोरोना होले घरे घर छिपा पिटवाया, घरे घर दिया बरा, दिवाली है लाए भगवान राम का जन्मदिन मनाया पूस में, चैत में जन्म लिए हैं, जन्मदिन मनाया पूस में, क्या लगवाया? जावा कि लॉकडाउन है, जावा जावा बैल के लगवे वाला, बाप दादा लगाया, बाप दादा लगाया बैल के, मोदी जी लगाए आदमी के, वन मोदी जी हैं। तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, एकदम बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये एक आप लोग यादव समुदाय से है ना? हाँ हाँ। ये बताइए कि यादव समुदाय से एक है नीरज कुमार यादव, बीएसपी के उम्मीदवार है यहाँ से पट्टा साहिब से, उनके बारे में भी चर्चा है क्या? ना उसके बारे में पंजा छोड़ के दूसरा को कोई के नहीं। हम सब पंजा को जान रहे हैं, पंजा को देंगे, अब कौन है खाली? रविदास है क्या? अरे रविदास है पंजा, बाकी जात पर नहीं है, हमारे पार्टी पर है, पार्टी पर, पार्टी पर। क्या बोल रहे हैं? जात पर ना पाक पर मोहर लगा वो हाथ पर, हाथ पे लगेगा। हाँ, पंजा में, पंजाब में सारा गांव जन्ने हाथ उठा देगा, जन्ने कर देंगे हम, सब सौ हो गए हम रहेंगे, सारा गांव जन्ने के ला जाए उन्हें हम दे देवो। गांव किधर जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? पंजाब में, पंजाब में। हाँ, कह रहे कि नीरज यादव के जा रहा है बीएसपी पंजाब में। हाँ, पंजाब में जा रहा है, सब देते जन्ने हम दे देवो, हम एगो फूट के पहुँच जाइए। नीरज यादव को जानते हैं? ना आप, हम ना जाने।